हेलो एवरीबडी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आई एम द पिकअप फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एस एस टी एब्सोल्यूटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम So today we are going to start with our next chapter, and the chapter is Skin the Jack of All Trades. So let us start with the chapter. Skin. स्किन हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए है तो अगर आप अपने हैंड्स को देखो आप अपने फीट को देखो लेग्स को देखो बैक को देखो फेस को देखो हर जगह जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज़ आर स्किन तो स्किन हमारी बॉडी का एक बहुत ही एक्टिव ऑर्गन है और एक ऐसा ऑर्गन है विच इज़ लार्जेस्ट इन आर बॉडी ठीक है तो एक ऐसा ऑर्गन जो सबसे बड़ा है हमारी बॉडी में अगर से आपका बॉडी वेट है हंड्रेड के ठीक है तो इसका मतलब है इसमें से जो 15 के वेट है वो आपकी सिर्फ स्किन का है ठीक है सो फिफ्टीन परसेंट ऑफ एडल्ट बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ देयर स्किन करेक्ट सो so, ये जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का इट बिलोंग्स टू ए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ठीक है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को बाहर से कवर कर रहा है सो दैट इज द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और ये वो एक ऑर्गन है जो इम्परमिएबल है मतलब कोई भी चीज अब अगर मैं सोचूं कि मुझे प्यास लगी है तो मैं यहां पर पानी डालूं तो आपको क्या लगता है कि मेरी जो बॉडी है वो यहां से पानी पी लेगी नहीं ठीक है सो इट इज़ इम्परमीएबल तो इवन इफ वी लुक अराउंड आर सेल्व सो वी डोंट सी दोज टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है ठीक है तो हम बोलते हैं ना खाने से पहले अच्छे से हाथ धो लो क्यों क्योंकि स्किन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं लेकिन ये जो हमारी स्किन है ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेनिट्रेट नहीं होने देती है और ये हमारी बॉडी को एक तरह से से बचाती है तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ स्किन में। सो so बेसिकली जो मैं हमारी बॉडी का जिससे बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारे ओरिजिनेट होते हैं सो लेट इज मूव ऑन टू सारे फंक्शंस है और इसमें पहला फंक्शन जो है प्रोटेक्शन हमारा जो स्किन है हमारी स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बहुत तरह से सबसे पहले मैकेनिकल शॉक से सो so, किसी भी तरह का जो शॉक होता है किसी भी तरह का मैकेनिकल डैमेज जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को हो सकता है उससे हमारी स्किन प्रोटेक्ट करती है हमारी ऑर्गन्स को राइट देन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर तो होता है हमें पता है कि जो स्किन है तो स्किन के नीचे ना बड़े सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और एक कुछ ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें बहुत सारा फ्लूइड भी है राइट right? तो ये जो फ्लूइड्स हैं ना हमारी बॉडी में ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं क्योंकि हमारी स्किन इनको बाहर नहीं जाने देती है द नेक्स्ट इज इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारा स्किन जो है वो एक इम्परमीएबल बैरियर है तो अगर से मेरे हाथों में अगर जर्म्स आ भी जाते हैं और अगर मैं उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूं ठीक है तो एक तो वो मेरी स्किन से चले जाएंगे और दूसरा अगर स्किन पे जर्म्स हैं तो वो मेरी स्किन से अंदर को पेनिट्रेट नहीं होंगे तो ये एक तरह से मेरी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचा रहा है द नेक्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेस सनलाइट तो हमारी बॉडी जो है इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स अब जब सनलाइट आती है ना तो इस सनलाइट से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है स्किन करती है सो द वेरी इंपॉर्टें The very first role is the protection. Second is a sensation. So, sensation of what? Sensation of pain, sensation of, uh, say, touch, then sensation of. हॉट देन सेंसेशन ऑफ कोल्ड तो हर तरह का अगर आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हो तो आपकी स्किन सेंस कर लेती है आप एकदम हाथ हटा देते हो अगर आप किसी ठंडी चीज़ को भी टच करते हो तो भी आपकी आ, स्किन सेंस कर लेती है अगर आपको कोई चीज़ काट जाती है तो आपको एक पेन की सेंसेशन होती है राइट सो देट इज़ अगेन अ सेंसेशन अगर कोई पीछे से आए आपको आपके कंधे पे हाथ रख दे ठीक है तो योर स्किन विल बी एबल टू सेंस कि किसी ने आके आपके शोल्डर पे हाथ रखा है सो दैट इज सेंसेशन द नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन तो हमारी स्किन एक इतना परफेक्ट ऑर्गन है ना एक तरह से कि अगर गरम टेम्परेचर है अगर गरम है तो ये हमारी बॉडी से एक्सेस हीट को एलिमिनेट करेगा क्या करेगा एक्सेस हीट को एलिमिनेट करेगा अगर कोल्ड वेदर है तो ये क्या करेगा हमारी बॉडी में हीट को रिटेन करेगा इज दैट करेक्ट ओके द नेक्स्ट वन इज़ स्टोरेज ऑफ फूड तो हमने लास्ट ही चैप्टर में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज कहाँ जाके स्टोर होता है प्रोटीन्स विटमिन्स हर चीज़ कहाँ जाती है उसमें हमने फैट्स पढ़े थे तो so, हमने पढ़ा था कि जो एक्सेस फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में स्किन के नीचे एक लेयर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं करेक्ट तो मतलब ये एक स्टोरेज ऑर्गन का भी काम कर रहा है देन एक्सक्रीशन तो हमने देखा है कि हमें जब बड़ी मतलब होता तो जनरली वो तभी है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारी बॉडी से ना स्वेटिंग होती है क्या होता है स्वेट निकलता है नाउ दिस स्वेट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सेस वाटर देन इट हैज़ सॉल्स एंड इट हैज़ सम यूरिया ऑल्सो तो बेसिकली ये जो वेस्ट है ना ये जैसे यूरिया एक वेस्ट है वो हमारी बॉडी से निकलता है थ्रू दिस स्किन बट क्योंकि अगर हम स्वेटिंग uh, की बात करें तो स्वेटिंग हैपन्स जस्ट बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या फिर जो टेम्परेचर है जहाँ पर हम हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये सिर्फ उन्हीं कंडीशन में ठंडे में तो हमें स्वेटिंग नहीं होता है राइट right? तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि स्किन जो है वो इट इज़ एक्चुअली एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इट्स समटाइम्स बिहेव लाइक एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन राइट द नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी तो हमने सुना है क्या सुना है कि जो सुबह सुबह की धूप की किरणें होती हैं ना वहाँ पर जाके खड़े होना चाहिए बिकॉज वेन दोज सन रेज दे टच योर स्किन और टच योर बॉडी तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन लेकिन ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब सनलाइट जो है ना जब वो बहुत तेज़ नहीं होती अगर आप दिन में 12 बजे जाके धूप में खड़े हो जाओगे भरी गर्मी में और फिर उसके बाद आप आधा घंटा खड़े रहो कि आज तो विटामिन डी की सिंथेसिस करवा के रहेंगे सो दैट विल नॉट हैपन नाउ दैट इज़ गोइंग टू डैमेज योर स्किन इन डिफरेंट वेज जैसे टैनिंग हो जाएगी एंड इवन स्किन कैंसर्स जो सनलाइट होती है तो सनलाइट में होता है क्या सनलाइट में होती हैं यू रेज ठीक है एक्सेस एक्सपोजर टू द यूवी रेस कॉजेज स्किन कैंसर करेक्ट ओके नाउ ग्रिप ग्रिप कैसे देखो ऐसा करो अपना हाथ लो और उसको बहुत देर तक पानी के मग में डिप कर दो ठीक है तो उसको रहने दो पांच दस मिनट रहने दो जब आप अपने फिंगर्स को बाहर निकालोगे ना यू विल सी कि यहाँ पर ना जो स्किन है ना हाथ की मतलब वो पार्ट ऑफ दिस आ, स्किन जो कि पानी में बहुत ज़्यादा जा, देर तक डिप रहा था तो उस केस में आ, जो स्किन है ना हमारी दैट रिंकल्ड wrinkled. और रिंकल्ड wrinkled जब ये स्किन होती है सो इट इ बेटर ग्रिप जै जो वेट कंडीशन होती है उसमें बेटर ग्रिप हमें मिलता है राइट सो आई होप द फंक्शन आर क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन तो अपनी स्किन को जरा होल्ड करके देखो ठीक है ऐसे अपनी स्किन को पकड़ो तो हमें स्किन जो है ना वो एक पतली सी लेयर देखने को मिलती है जो शायद थोड़े मोटे होंगे लोग ठीक है जो थोड़े से फैट होते हैं उनमें यही स्किन जो है वो ज़्यादा थोड़ी मोटी देखने को मिलती है राइट तो अब ये जो स्किन है ना ये होती क्या है मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो जो स्किन है ना इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे फर्स्ट इज द स्किन प्रॉपर एंड द सेकेंड वन आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन ठीक है तो स्किन प्रॉपर मान लो कि ये हमारी स्किन है ठीक है ये लेयर बना दी मैंने एक स्किन की जो जो हमने ये वाली होल्ड की थी ठीक है अब ये जो स्किन की लेयर है ना ये इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन्हीं दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वन द अपर लेयर इज द एपीडरमिस ठीक है एंड द लोअर वन इज द डरमिस ठीक है तो ये दो पार्ट्स में पढ़ेंगे सो इट इज एपिडर्मिस एंड डर्मिस तो एपिडर्मिस जो है वो डेड स्कॉमस सेल्स की बनी होती है तो हमने एनिमल टिश्यूज में सेल्स पड़े हैं टाइप्स ऑफ सेल्स इन एनिमल्स ठीक है उसमें स्कॉमस सेल्स होते थे तो ये डेड सेल्स की बनी होती है दैट टू डेड स्कॉमस सेल्स देन इट इज ग्रैन्युलर एंड देयर आर द जर्मिनेटिव लेयर सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल द नेक्स्ट इज दिस द लोअर लेयर सो दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स देखने को मिलती हैं द सेकेंड द सेकेंड पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन दैट इज द डेरिवेटिव अब स्किन से क्या क्या हमें डराइव होता नजर आता है सोचो so, अपना हाथ देखो ध्यान से देखो ठीक है तो आपको छोटी छोटी हेयर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी सो दिस इज वाई दिस इज दिस इज वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ स्किन सो फर्स्ट इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हेयर देन देयर आर

और डर्मिस का मतलब बेसिकली लेयर्स ही होता है या फिर स्किन ही होता है ठीक है लेयर और स्किन आप बोलो तो जो आउटर मोस्ट लेयर है हम सिर्फ अभी इसकी बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि ये डेड सेल्स की बनी होती है मतलब अगर आप एपिडर्मिस की बात करोगे तो ये आउटर और काफ़ी एक पतली सी लेयर है और ये वो लेयर है जिसमें ऐसा नहीं है कि एक सिंगल सेल है ठीक है कि मतलब जैसे हम आ, किसमें विलाय में पढ़ते थे ना कि एक सिंगल सेल की लेयर बनी होती है ठीक है तो मतलब अगर ये विलाय है तो यहाँ पर सिंगल सिंगल सेल्स जो हैं वो आउटर मोस्ट लेयर में होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें काफी सारे सेल की लेयर्स होती हैं ठीक है थीके? तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होता है ठीक है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम मतलब देयर आर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स करेक्ट अब कहाँ पर एपिडर्मिस थिक होती है कुछ कुछ ऐसी जगह आप देखोगे ना जहाँ पर एपिडर्मिस एक्चुअली बहुत थिक देखने को मिलेगी तो अपना हैंड लो और हैंड में यहाँ पर पाम पे टच करो थोड़ी थिक है अपने टो तो पे टच करो वहां भी थिक है अपने हील्स पे टच करो वहां पर भी थिक है और ये वो सारी जगह है. मतलब अगर हम एपिडर्मिस की बात करें अगर आप इसको ऐसे पिंच भी करो ना तो यू विल फील दैट देर आर नो ब्लड वेसल्स तो इस लेयर में ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसमें कोई भी ब्लड सेल्स नहीं होते हैं और इस एपिडर्मिस को हम डिवाइड करते हैं तीन रीजन्स में सबसे पहला है आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर जिसे हम स्ट्रैटम कॉर्नियम भी बुलाते हैं द नेक्स्ट वन इज द मिडल ग्रैन्युलर लेयर द नेक्स्ट इज इनर मालपीजियन लेयर तो एक एक लेयर को देखना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहां पर आपको सिर्फ उतना पार्ट पोर्शन बता देती हूं. So we will be talking about this portion. ठीक है, तो मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है this portion is epidermis और इस एपिडर्मिस में तीन रीजन हैं, ठीक है सबसे बाहर वाला सबसे आउटर वन इज द स्ट्रैटम कॉर्नियम ठीक है दैट इज आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड उसके नीचे जो लेयर आती है ग्रैनुलर लेयर और जो सबसे नीचे लेयर आती है दैट इज स्ट्रैटम मालपीजियन लेयर ठीक है तो सबको पढ़ते हैं एक एक करके तो अब इस लेयर को ध्यान से देखो सबसे पहले है द आउटर मोस्ट वन दैट इज स्ट्रैटम कॉर्नियम ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है ना ये बना होता है फ्लैट सेल्स से तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे आर फ्लैट डेड सेल्स ठीक है तो फ्लैट और डेड सेल्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि एक लेयर है मल्टीपल लेयर्स की ये हमारी जो आउटर मोस्ट जो रीजन है वो बना होता है ठीक है तो इस रीजन में मल्टीपल लेयर्स होती हैं सेल्स की करेक्ट अब ये जो हमारा लेयर है ना ये इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज करेटिन कैराटिन आजकल काफ़ी ज़्यादा सुना होगा एड्स में भी सुना होगा करेटिन ट्रीटमेंट्स भी सुनी होगी अपने बालों से रिलेटेड राइट right? तो ये बस ये वही वाला केरेटिन प्रोटीन है जो हमारे नेल्स में हमारे हेयर में होता है तो ये जो करेट ये जो पूरी की पूरी लेयर है ना द स्ट्रैटम कॉर्नियम ये एक ऐसी लेयर है जो कि आउटर मोस्ट है तो देखो अगर सबसे बाहर वाली लेयर है तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती होगी चीज़ों में मकैनिकल डैमेज भी ज़्यादा होता होगा तो ये जो लेयर है ना ये रेगुलर बेसिस पर शेड होती रहती है आउट होती रहती है और ये जो सेल्स हैं ना ये रिप्लेस होते रहते हैं तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज स्ट्रैटम मालपीजी ये इन सेल्स को रिप्लेस करती जाती है ठीक है तो यहाँ पर ऑल दो सेल्स डेड हैं बट इसके जो सेल्स हैं वो इस लेयर स्ट्रैटम मालपीजी से आते हैं करेक्ट अब इसके नीचे अगर हम आए सो द नेक्स्ट लेयर इज द ग्रैन्युलर लेयर ठीक है अब ये जो ग्रैन्युलर लेयर होती है ना ये भी दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से बनी होती है जैसे आप यहां पर देख रहे हो ठीक है अब उसके बाद आते हैं इनर मोस्ट पे एंड दैट इज स्ट्रैटम मालपीजी और जिसे मालपीजियन लेयर या फिर क्या बुलाते हैं इसे हम एक और नाम देते हैं कहां पर लिखू पूरा ऑल बुकड अप राइट तो मैं यहां पर लिखती हूं इसे हम जर्मिनेटिव लेयर भी बुलाते हैं और क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों वो इसलिए क्योंकि ये वो लेयर है जहां पर रैपिडली नए सेल्स बनते हैं और ये नए सेल्स ना ऊपर की तरफ पुश होते रहते हैं और फाइनल मतलब जब स्ट्रैटम कॉर्नियम के सेल्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं तो ये नीचे से नए सेल्स आकर ऊपर कॉर्नियम स्ट्रैटम द अपर मोस्ट रीजन बना देते हैं हमारे एपिथीलियम का करेक्ट सो इज द एपिडर्मिस पार्ट क्लियर टू यू तो अब हम पढ़ने वाले हैं डर्मिस पार्ट ठीक है तो एपिडर्मिस में हमें तीन रीजन याद रखने हैं सबसे ऊपर वाला डेड है फ्लैट डेड सेल से बना हुआ है उसके नीचे वाला जो लेयर है उसमें क्या है उसमें कुछ ज़्यादा सेल्स हैं और ये एक तरह से जो नीचे से सेल्स आ रहे हैं ना जो मालपीजियन लेयर बना रही है उसको एक रास्ता दे रहे हैं कि चलो चलो ऊपर की तरफ चलो चलो मूव करते चलो मूव करते चलो राइट नेक्स्ट इज़ द मालपीजियन लेयर और द जर्मिनेटिव uh, लेयर और स्ट्रैटम मालपीजी जहाँ पर नए नए सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो अपर मोस्ट रीजन के जो सेल्स हैं जब वो खराब हो रहे हैं या जब वो गिर जा रहे हैं शेड हो रहे हैं तो यही लेयर अपर लेयर बना दे रही है द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एपिथिलियम एपिडर्मिस बना रही है एम आई क्लियर चलो अब डर्मिस पढ़े अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन सो बिफोर वी मूव ऑन टू डर्मिस लेट डर डिस्कस वन ऑफ द अनदर कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द मालीजियन लेयर और द जर्मिनेटिव लेयर तो यहाँ पर हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है एंड दैट इज द स्किन पिगमेंट जिसे हम मिलानन बुलाते हैं ठीक है तो मतलब ये जो मिलानिन पिगमेंट होता है ये हमारे मालपीजियन लेयर के सेल्स में होता है ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को एक कलर देता है तो आपने देखे होंगे कई लोग जैसे आ, कुछ लोग होते हैं वो काफी फेयर होते हैं ठीक है जैसे अमेरिकन होते हैं तो दे आर क्वाइट फेयर लाइट ब्राउन उनका कलर होता है स्किन का कलर होता है कई होते हैं वो बहुत ही डार्कर साइड पर होते हैं और अगर हम अपने आप को देखें वी इंडियंस आर लाइक अ वीटिश शेड ठीक है तो ये जो हमारी स्किन का कलर है सो दिस स्किन कलर इज़ बिकॉज़ ऑफ़ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट ठीक है तो ये पिगमेंट बेसिकली एक हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करता है तो हमारी क्योंकि वी आर एक्सपोज टू सनलाइट राइट सो देर आर अल्ट्रा वायलेट रेज विच कैन डैमेज आर इंटरनल बॉडी पार्ट्स विच आर क्वाइट वाइटल राइट तो अगर हमारा हमारी बॉडी में ये स्किन पिगमेंट नहीं होता है तो ये रेज हमारी बॉडी को डैमेज कर देती हैं तो हमारे सेल्स जो होते हैं माल लेयर में वो हमारे पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं और ये पिगमेंट हमारी बॉडी को एक कलर देता है और कलर देने के साथ साथ ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है तो कई बार कुछ दो एबनॉर्मल कंडीशंस देखी गई हैं स्किन मतलब पिगमेंटेशन से एंड द फर्स्ट वन इज़ द ल्यूकोडर्मा जिसे हम विटी भी बुलाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये गर्ल है ये लेडी है इसकी ना अगर फेस uh, पे भी है थोड़ा लेकिन अगर आप इसके हैंड्स को देखो तो हैंड्स जो हैं आर्म्स नहीं बट हैंड्स ऑलमोस्ट यहाँ से रिस्ट से थोड़ा आगे से शुरू होता है तो यहाँ पर जो कलर है ना उसकी स्किन का वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है मतलब यहाँ पर कंप्लीट लॉस हो चुका है किसका सॉरी यहाँ पर कंप्लीट लॉस हो चुका है मिलानन पिगमेंट का तो ये जो लॉस होता है मिलानन पिगमेंट का एट सम patches मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरी स्किन से ही पिगमेंट uh, चला जाएगा स्किन पिगमेंट चला जाएगा बट जैसे स्किन में ही ना कहीं कहीं पर कभी यहाँ पर से कभी बाजू में कभी नेक पे कभी फेस पे ऐसे अलग अलग जगह ये पिगमेंट जाता हुआ दिखाई देगा तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है दैट इज नॉट नोन बट दिस इज वन ऑफ द एबनॉर्मल कंडीशन दैट हैज बीन सीन इन पीपल द सेकेंड कंडीशन इज एल्बेनिज्म वो कंडीशन है जिसमें देर इज कंप्लीट लॉस ऑफ दिस स्किन पिगमेंट और इससे क्योंकि पिगमेंट पूरा ही खत्म हो जाता है तो अब जो स्किन की कैपिलरीज होती हैं उनमें क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है और उस ब्लड फ्लो की वजह से पूरी की पूरी स्किन जो है वो एक लाइट पिंकिश शेड देना शुरू हो जाती है जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हो तो इवन आइज से सब जगह से यहाँ पर पिगमेंट लॉस हो जाता है सो दिस इज द सेकंड कंडीशन दैट इज सेम नाउ लेट इस मूव ऑन टू आर नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स सॉरी नेक्स्ट लेयर ऑफ आर स्किन दैट इज डर्मिस। सो नाउ कमिंग टू द डर्मिस। तो डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस से नीचे वाला पोर्शन है तो so सबसे बाहर है एपिडर्मिस और अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज दिस डर्मिस पार्ट तो आपने देखा होगा कई बार लेदर uh, जो है वो एनिमल हाइड्स से लिया जाता है सो कैन यू टेल मी कि वो एपिडर्मिस पार्ट होता है उनकी स्किन का या फिर डर्मिस पार्ट तो वो उसका डर्मिस पार्ट होता है तो बेसिकली ये जो डर्मिस पार्ट होता है ना ये एपिडर्मिस के नीचे होता है और काफ़ी ज़्यादा जगह पर जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी जगह होती है जैसे हमारा पाम है हमारे टोज हैं यहाँ पर ना जो डर्मिस होता है मतलब जो हमें स्किन है ना वो थिक लगती है तो बेसिकली यहाँ पर डर्मिस थिक होता है वैसे ही अगर हम अपनी आईलेट्स को टच करेंगे सो यू ट्राई टू टच योर आईलेट्स सो दे आर क्वाइट लाइक काफ़ी थिन है है ना काफ़ी थिन लेयर ऑफ स्किन है तो यहाँ पर डर्मिस भी थिन होता है तो ये टफ और फ्लेक्सिबल लेयर होती है अब अगर आप यहाँ पर इससे नीचे वाला पोर्शन देखो तो आपको यहाँ पर ना बड़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी जैसे कि आपको सिबेशियस ग्लैंड दिखाई देंगे आपको यहाँ पर हेयर बल्ब दिखाई देंगे ये देखो ये हेयर जो है ये बेसिकली डर्मिस से ओरिजिनेट हुआ है और अब ये यहाँ से होता हुआ बाल जो है वो हमारी स्किन से बाहर निकला है तो मतलब जो हेयर हमारी स्किन में ओरिजिनेट होता है वो डर्मिस पार्ट से होता है ठीक है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नर्व्स भी दिखाई देंगे हेयर फॉलिकल्स भी दिखाई देंगे फैट फैट डिपोजिशन भी इसी लेयर में होता है देन वेन्स आर्टरीज मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी आपको डर्मिस में ही देखने को मिलेंगी यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे ठीक है यहाँ पर हेयर पेपिला भी होते हैं तो बेसिकली ये वो पार्ट है ना जहाँ से जो डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन है ना वो एक तरह से निकलते हैं ठीक है तो अब आई होप आपको डर्मिस और एपिडर्मिस में डिफरेंस समझ आ गया है तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन तो जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं स्किन के वो क्या हैं हमने पढ़े थे कौन कौन से थे तो हमारे बाल हैं हमारे नेल्स हैं हमारी बॉडी में वो ऑर्गन्स हैं जिनसे स्वेटिंग होती है जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन आज हम उनको देखेंगे कि वो कैसे होते हैं तो बेसिकली सिबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड्स हैं स्वेट ग्लैंड्स हैं एंड इवन द मेमरी ग्लैंड सो ऑल ऑफ देम आर द डेरिवेटिव्स ऑफ़ स्किन और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे ये जनरली हमारे डर्मिस पार्ट में होते हैं ठीक है तो शुरू करें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेयर का स्ट्रक्चर तो हेयर जो है वो कैसा सा होता है तो हर चीज को हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे ताकि वो आपको याद रहे और समझ आ जाए अच्छे से नाउ हेयर आर डिवाइडेड थ्री मतलब जो हमारा एक बाल है ना उस बाल के तीन रीजन होते हैं तो देखिये कौन कौन से द वन इज द हेयर शार्व तो बेसिकली ये जो बाल मतलब ये मैं हेड के दिखा रही हूँ आप अपने आ, आम पे देख लो हाथ पे देख लो तो so, ये जो लंबे लंबे बाल हमें बाहर को दिखाई दे रहे हैं

फ्रॉम योर आईब्रो ठीक है जब आप उसको प्लग करोगे ना आप देखोगे कि जो प्लगड पोर्शन है जो अंदर से निकला है ना वो जो पोर्शन है वो कुछ ऐसा थिक पोर्शन होता है ऐसे बल्ब लाइक -like पोर्शन होता है सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज हेयर बल्ब ठीक है सो so, ये है हमारा पूरा पोर्शन अब इसमें देखो कि यहाँ पर आपको ना एक एक तरह से एक कैविटी सी एक जगह सी दिख रही है जहाँ से हेयर ग्रो हो रहा है सो दिस इज कॉल्ड एज हेयर फॉलिकल इसे हेयर फॉलिकल कहते हैं और ये जो हेयर फॉलिकल होता है यहाँ पर ही जो हेयर है यहाँ से हेयर ग्रो करना शुरू करता है अब यहाँ पर आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हमारे बाल हैं तो अगर आप हेयर को देखो अपने बाजू में तो ये ना थोड़े ऐसे स्लैंटिंग है ओब्लिक हैं ठीक है लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे एक्साइटमेंट डर और इन सब सिचुएशन में आप क्या देखते हो कि बाल एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं रोंगटे खड़े हो जाना राइट दैट इज गूज हेयर इसे हम बुलाते हैं गूज हेयर ठीक है या गूज बम्प्स हम बुलाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो आ, ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर ये हेयर होता है जो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो डर्मिस से निकलता है तो यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें हम इरेक्टर मसल्स बुलाते हैं तो ये जो इरेक्टर मसल्स होते हैं ना ये एकदम आ, इरेक्ट हो जाते हैं एकदम ऐसे सिटी स्ट्रेट से हो जाते हैं और जो हमारे बाल हैं वो हमें एकदम ऐसे ऊपर खड़े हुए दिखाई देते हैं बेसिकली हमें रोंगटे खड़े हुए दिखाई देते हैं सो दैट इज दिस गूज हेयर ठीक है तो इसे हम गूज हेयर नहीं हम इसे बुलाते हैं गूज फ्लैश ठीक है अब ये देखो ये जो हेयर फॉलिकल है ना इस हेयर फॉलिकल के अंदर ही हेयर का रूट होता है और यहां पर भी पिगमेंट होता है और इस पिगमेंट की वजह से हमारे बालों के अलग अलग कलर्स होते हैं जैसे कई लोग होते हैं उनके बिल्कुल ब्लैक हेयर होते हैं कई होते हैं जिनके ब्राउन होते हैं कुछ के गोल्डन हमें समझ आते हैं ठीक है और विद एज कई बार क्या होता है कि बाल पहले ग्रे होना शुरू होते हैं सिल्वर से दिखना शुरू होते हैं और फिर एकदम सफेद हो जाते हैं सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द हेयर फॉलिकल अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है इसका मतलब है कि आपका जो हेयर फॉलिकल है वो हेयर फॉलिकल अब लू मतलब वीक होते जा रहे हैं इसलिए मतलब आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है और अगर हम अपनी बॉडी को देखें ना बॉडी में काफ़ी जगह बाल हैं जैसे है, सिर पे बाल हैं ठीक है ठीके, हमारी आर्म्स में हमारी स्किन के ऊपर बाल हैं हमारी आईब्राउज में बाल हैं हमारी आई लैशेज में बाल हैं तो हर एक बाल जो है ना उसका अपना अपना एक टाइम स्पैन होता है जैसे जो हमारे सिर के बाल हैं ठीक है इनका तीन से पांच साल तक का होता है मतलब इस ड्यूरेशन में अब ऐसा नहीं होता कि तीन साल बाद या पांच साल बाद हम एकदम ऐसे गंजे हो जाएंगे बट हाँ टाइम टू टाइम दे कीप ऑन दीज हेयर आर रिप्लेस्ड ठीक है तो बाल गिरते हैं क्योंकि उनका टाइम खत्म हो चुका है एक रीज़न ये भी है ठीक है एक रीज़न है कि हेयर फॉलिकल आपके वीक हो चुके हैं ठीक है थीके? तो जैसे तीन से पांच साल हमारे बालों का है स्कैल्प के बालों का फिर अगर हम अपनी आईब्राउज की बात करें तो तीन से पांच महीने हमारे आईब्राउज का है तो ऐसे हर जगह के हेयर जो हैं उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है वो दिखाई भी अलग अलग देते हैं और उनका लाइफ स्पैन भी अलग होता है और इसी बेसिस पर हमारे जो फॉरेंसिक साइंसेज होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो सीआईडी जिस जिसने देखा है ठीक है तो सीआईडी में क्या करते हैं वो ऐसे लेंस लेके ऐसे 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 कुछ ढूंढते रहते हैं और जैसे ही बाल मिलता है वैसे ही बड़े खुश हो जाते हैं कि बाल तो मिल गया अब देखते हैं ये किसका बाल है अब पता लगाएंगे कि कातिल कौन है या चोर कौन है ठीक है सो दीज हेयर दे एक्चुअली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें इवन जो डी एन ए होता है ठीक है तो डी एन ए इसमें फॉरेंसिक साइंसेस भी बालों पर बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं चोरों को या गुनेगारों को पकड़ने के लिए ठीक है तो आई होप दिस मैच इज क्लियर अब अगर आप देखो तो हमारी आईलैशेस पे हेयर हैं तो क्या रोल है इनका क्या फंक्शन है इनका इनका फंक्शन है कि कुछ भी अगर आ रहा है हमारी आंखों की तरफ तो ये हमारी आंखों में उस पार्टिकल को गिरने नहीं देते अब वैसे ही अगर आप देखो तो हमारे नोज के अंदर नोस्ट्रल्स के अंदर भी हेयर है वॉट इज द रोल द रोल इज टू ड्रैप ट्रैप द डस्ट एंड द माइक्रोब्स ताकि वो हमारी बॉडी में जाके क्या करे? ना करे बीमारियां ना फैलाए ठीक है तो हर जगह के हेयर है उनका अपना अपना एक रेलिवेंस है राइट सो आई होप हेयर आपको समझ आ गया है अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर तो अब हम अपना नेल देखते हैं तो देखो अपने नेल्स देखो देखो सब ध्यान से देखो अपने नेल्स तो नेल्स कैसे है? ऐसे पिंकिश जैसे अपेयर हो रहे हैं ठीक है थीके? तो ये जो नेल्स है ना इसके भी तीन पार्ट है तो नेल्स क्या है ये बने हुए हैं डेड कैरेटनाइज सेल्स से ठीक है तो ये जो नेल्स हैं इसके तीन पार्ट है सबसे पहले प्लेट तो ये जो आपका विजिबल पोर्शन है ना नेल का ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है दिस इज बेसिकली द प्लेट जिसे हम नेल प्लेट भी बुलाते हैं और इसके नीचे एक पोर्शन होता है जिसे हम बेड या रूट बुलाते हैं और अब फाइनली यहां पर आपको एक हाफ मून सा दिखाई दे रहा है सो दिस हाफ मून इज बेसिकली द मैट्रिक्स ये वही पोर्शन है मतलब ये अगर आप नेल देखो ना जो आपका नेल की प्लेट है इट मेड अप ऑफ डेड सेल्स ठीक है लेकिन ये जो हाफ मून है दिस हाफ मून Has the द सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग यहाँ पर नए नए सेल्स जो हैं वो आते रहते हैं और ये जो नए सेल्स जैसे ही बनते रहते हैं ना ये हमारी नेल प्लेट को क्या करते रहते हैं आगे की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं तो नेल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है तो आपने देखा ही है कि हर हफ्ते हमें नेल्स अपने ट्रिम करने ही पड़ते हैं क्योंकि नेल्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं तो बेसिकली जो आप नेल्स कट कर रहे होते हो ना दे आर द डेड नेल्स और जो आपका हाफ मून यहाँ पर बन रहा है वहाँ पर नए ने नए सेल्स ओरिजिन होते रहते रहते हैं हैं हैं, या बनते और ये आपके डेड सेल्स को को आगे की तरफ पुश करते जाते राइट सो दीज आर द नेक्स्टिटीज ऑफ स्किन दैट इज है तो समझ आ रहा है ना कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन नाउ ग्लैंड्स और इन्हें हम ऑयल ग्लैंड भी बुलाते हैं तो ये भी हमारे स्किन में ही होते हैं कहाँ पर हैं तो आप ये वाले पोर्शन देख रहे हो सो दीज आर दिबेशियस ग्लैंड तो अगर आप इनको देखो बहुत ध्यान से तो ये अपनी सिक्रीशन्स पोर कर रहे हैं इन टू

सिक्रीट कर देते हैं या पोर कर देते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑयल है ना ये हमारे हेयर में आ जाता है राइट तो कई बार बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर हो जाते हैं सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोर सिक्रीशन ऑफ दी स्बेशस ग्लैंड कई बार आपने देखा होगा कि जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो ड्राई कंडीशंस में ना हमारे जो स्किन है ना वो काफ़ी uh, मतलब सॉरी कोल्ड कंडीशंस होती है तो हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और ऐसे ना वाइट फ्लेक्स से निकलने लगते हैं सो वाई इज दैट बिकॉज ऑफ़ द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ दिस ऑयल और द सीबम तो जब इसकी सिक्रीशन कम होती है ऑयल की सिक्रीशन कम होती है तो ऑयल की सिक्रीशन कम होने की वजह से ड्राइनेस होती है अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली और ड्राई स्किन की बात है बट दिस सीबम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे ना एक ऑयली और वॉटर प्रूफ सॉरी ऑयली और वॉटर प्रूफ लेयर बनती है हमारी स्किन में जो हमारी स्किन को एक्सेस लॉस ऑफ वॉटर से भी बचाती है एक्सेस इवैपोरेशन से भी बचाती है तो अब इससे रिलेटेड भी ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमें तो सबको पता है क्या है पिंपल्स एक्ने ब्लैक हेड्स राइट तो आज आपको समझ आएगा कि वो होता क्यों है तो देखो जो पिंपल्स होते हैं पिंपल एक वो प्रॉब्लम है जब हमारी बॉडी में या हमारी स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है तो हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है कि सीबम है ठीक है जो ऑयल सिक्रीट हुआ है अब ये जो सीबम है जिसे हम ऑयल भी बुला रहे हैं जो सीबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन है ये काफी न्यूट्रिटिव होती है और इसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हमें ये पिंपल्स देखने को मिलते हैं और दूसरी प्रॉब्लम क्या है एक्ने एक्ने टीन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है क्यों क्योंकि ये एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है मतलब जब हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे थे या हार्मोनल चेंज हो रहा होता है तब हमारी बॉडी में एक्ने देखने को मिलता है ये भी स्किन के ऊपर ही होता है और फाइनली ब्लैक हेड्स अब कई बार क्या होता है ना कि जो हमारी डेड स्किन है ना वो एक पर्टिकुलर जगह पर ना इकट्ठी हो जाती है और वहीं पर सीबम की सिक्रीशन भी हो जाती है तो तो जब ये सीबम प्लस दिस डेड स्किन ठीक है तो ये जो सीबम और डेड स्किन है ना ये एक साथ मिलकर क्या बना देते हैं एक ब्लैक हेड बना देते हैं काला सा यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाती है इन दोनों की और यहां पर एक काला सा स्ट्रक्चर बन जाता है और हमारे फेस पर ब्लैक हेड्स देखने को मिलते हैं सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिबेशियस ग्लैंड एम आई क्लियर तो आज समझ आ गया क्यों पिम्पल एक्ने और ब्लैकेट्स होते हैं तो अपनी स्किन को एकदम क्लीन रखना चाहिए तो पिम्पल और ब्लैकेट्स तो नहीं होंगे ठीक है तो एक्ने क्योंकि एक हॉर्मोनल इशू है तो दिस माइट हैपन ड्यूरिंग योर एज ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरीवेटिव देखते हैं स्किन का नाउ द स्वेट ग्लैंड तो स्वेट ग्लैंड कहाँ पर है तो so हमारी स्किन में जो डर्मिस वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको ऐसे कॉयल्ड सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दीज आर द स्वेट ग्लैंड ठीक है और इनसे ही एक डक्ट निकलेगी जो हमारे स्किन में एपिडर्मिस के ऊपर ओपन होगी जिसे हम स्वेट पोर बुलाते हैं तो बेसिकली ये स्वेट सिक्रीट करेंगे और यहाँ पर जाके स्वेट पोर होगा ठीक है तो ये जो स्वेट है ये कैसे बनता है तो इस स्किन में ही ना जो जहाँ पर स्वेट ग्लैंड है ना वो आसपास के सेल्स से ब्लड कैपिलरी से कुछ लिक्विड को क्या करती है एब्जॉर्ब करती हैं और उसी से स्वेट की प्रोडक्शन होती है और उस स्वेट को बाहर निकाल देती है अब जो स्वेट ग्लैंड है ना तो बेसिकली अगर हम स्वेट पोर्स की बात करें तो हमारे क्या आप गेस कर सकते हो कि हमारी बॉडी में कितने स्वेट पोर्स होंगे सो यू विल बी amazed to know that there are around टू million sweat pores in our body. और जो लोग गर्म जगहों पर रहते हैं ना उनमें ज़्यादा sweat pores देखे गए हैं as compared to those people who live in the cold regions या cold countries you can say. ठीक है तो अब ये जो sweat pores होते हैं ये क्या करते हैं ये sweat gland से होने वाली secretion को हमारी स्किन से बाहर निकाल देते हैं तो इस स्वेट ग्लैंड में इस स्वेट में बेसिकली 99% पानी होता है और उसके सिवा ज़ीरो टू पॉइंट टू टू पॉइंट फाइव परसेंट इसमें सॉल्ट्स होते हैं और ज़ीरो पॉइंट जीरो एट मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में इसमें यूरिया होता है करेक्ट सो दीज आर दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ स्वेट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आर बॉडी राइट तो ये याद रखना है ये स्वेट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में हमारी बॉडी से निकलता रहता है मतलब स्वेट ग्लैंड जो भी सिक्रीशन बनाएंगे वो स्वेट पोर से निकलता रहेगा लेकिन जब आप बहुत गर्मी में होते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पर स्वेटिंग ज़्यादा होती है उस टाइम पर आपके स्वेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवली ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी स्किन से बाहर निकलता है राइट right? तो कई बार आपने देखा होगा कि एक कोल्ड स्वेट भी होता है मतलब एक ऐसी कंडीशन में जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो तब आपकी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट भी सॉल्ट का लॉस भी हो सकता है और उस कंडीशन में एक इंसान को नोजिया और इवन सिवियर पेन की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है राइट सो दिस इज हाउ आर स्वेट ग्लैंड वर्क तो देखा कहां पर है स्वेट हमारे डर्मिस वाले पोर्शन में तो सारे जो डेरिवेटिव हम देख रहे हैं ना वो मोस्ट ऑफ देम दे आर प्रेजेंट इन आर दे आर प्रेजेंट इन आर डर्मिस पोर्शन ऑफ द स्किन ठीक है और एपिडर्मिस क्या है एक डेड लेयर है सेल्स की ओके तो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट नाउ द मेमोरी ग्लैंड्स और द मिल्क ग्लैंड्स तो मेमोरी ग्लैंड्स दोनों ही सेक्सेस uh, में होते हैं मेल्स और फीमेल्स में बट मेल्स में ये रूडिमेंट्री होते हैं मतलब अंडर डेवलप्ड होते हैं इमेच्योर होते हैं वहीं पर फीमेल्स में ये फुली डेवलप्ड होती हैं तो so, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे चेस्ट में एक एक इलास्ट सा पोर्शन होता है जिसके बाहर एक कोनिकल सी प्रोजेक्शन दिखाई देती है जिसे हम निपल बुलाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी डक्ट्स पंद्रह से बीस डक्ट्स होती हैं जो अंदर की तरफ को ब्रांच करती हैं और वो फाइनली इन इन डक्ट्स को हम मेमोरी डगट्स बुलाते हैं और वो फाइनली रीच करती हैं इन टू दीज पोर्शन जहां से मिल्क की प्रोडक्शन होती है सो द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय दीज मेमोरी ग्लैंड इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स जिसे हम बुलाते हैं प्रोलेक्टिन तो जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस उस टाइम पर प्रोलेक्टिन हार्मोन जब एक न्यू बॉर्न मदर एक बेबी को डिलीवर करती है तो प्रोलेक्टिन हार्मोन सिक्रिट होता है और ये प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है ये मिल्क की प्रोडक्शन करा जाता है और ये मिल्क एक न्यू बॉर्न बेबी को जब फीड किया जाता है तो ये उस बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, है? ठीक अब ये जो मेमोरी uh, हैं, so अब जो हमारे मेमोरी थे, they were the modification of sweat glands. अब कुछ और मॉडिफिकेशन हमारे glands की, एंड सिरुमीनियस ग्लैंड ठीक है सो बोथ ऑफ दम आर द मोडिफिकेशन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड सो सिबेशियस ग्लैंड कौन से थे जस्ट रिकॉल सो दीज वर द ऑयल ग्लैंड तो ये जो ग्लैंड होते हैं जो मियोबोमियन ग्लैंड होते हैं दे आर प्रेजेंट अराउंड आर आईलेट्स तो ये जो सिक्रीशन करते हैं तो ये बेसिकली हमारी आईलेट्स को एक तरह से लुब्रिकेट करता है और एक्सेस सिक्रीशन ऑफ टीयर्स से हमारी आंखों को बचाता है देन द सेकेंड वन तो ये कहाँ पर है दीज आर प्रेजेंट अराउंड आर आईलेट्स ठीक है और सिरूमेशियस जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इनसाइड आर ऑडिटरी कैनाल तो हमारे ईयर्स में होते हैं और इयर्स में ये सिक्रीट करते हैं ईयर वैक्स करेक्ट तो ये बेसिकली हमारी ऑडिटरी कैनाल को क्या कर रहे हैं लुब्रिकेट कर रहे हैं सो दीज सर्टेन मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड सो नाउ कमिंग ऑन टू स्किन एंड हीट रेगुलेशन ऑफ बॉडी तो हम जो एनिमल्स होते हैं ना सो वी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स ठीक है पहले वो होते हैं जो एक्टोथर्मल्स होते हैं मतलब वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पोई किलोथर्मल्स बुलाते हैं मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है ठीक है तो उन्हें हम एक्टोथर्मल्स बुलाते हैं दूसरे हैं एंडोथर्मल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो उन्हें हम होम्योथर्मल्स बुलाते हैं जैसे कि हम जैसे कि ह्यूमंस तो हमारा जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है सो तो आर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नियरली कॉन्स्टेंट ठीक है तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है कितना है तो माउथ में इट इज डिग्री सेल्सियस तो अगर रेक्टम की बात करेंगे तो इट इज लाइक प्लस वन डिग्री इन रेक्टम एंड इफ वी टॉक अबाउट आर आर्म पिट्स सो इट इज वन डिग्री लेस ठीक है सो आर्म तो आपने देखा होगा कि जब भी टेम्परेचर यहां पर लिया जाता है कई बार वो जो थर्मोमीटर्स आते हैं सो इफ वी आर मेजरिंग आर टेम्परेचर ओवर हियर सो वी नीड टू प्लस इट विद वन सो दैट वी कैन गेट द ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट टेम्परेचर एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर ठीक है तो जब छोटे बच्चों को हमेशा आम पिट में लगाते हैं मुंह में नहीं लगाते हैं थर्मोमीटर राइट right? तो जब आम पिट्स में लगाते हैं सो से इट इज शोइंग हंड्रेड सो वी विल डू इट प्लस वन ठीक है क्योंकि यहां पर वन डिग्री टेम्परेचर कम होता है हमारे माउथ से ओके सो द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जिनका फ्लक्चुएट करता है एनिमल्स का उनको अगर बहुत हॉट कंडीशन हो से टू हॉट कंडीशन और टू कोल्ड कंडीशंस दोनों को ही एस्केप करना पड़ता है ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा कांस्टेंट रख सके ठीक है वहीं पर अगर हम ह्यूमन्स या अपनी बात करें तो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मोर और लेस कांस्टेंट रहता है चाहे बाहर कितनी भी गर्मी ठंडी जो भी हो बट अंदर का टेम्परेचर जो है वो इट इज़ अराउंड थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड दैट टेम्परेचर इज नीडेड सो दैट आर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली ताकि हमारी बॉडी के एंजाइम्स दे कैन फंक्शन प्रॉपरली तो एंजाइम्स याद करो हमने पढ़े थे So enzymes are आर लाइक द इंजाइम्स ऑफ आर बॉडी दे फंक्शन बिटवीन 37 सेवन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस ओनली तो अगर इससे टेम्परेचर हट जाएगा तो हम जो इंजाइम्स है वो काम नहीं करेंगे और जो हमारा इंटरनल बॉडी का फंक्शन है वो भी स्लो डाउन या स्टॉप हो सकता है सो आई होप दिस मच इज क्लियर तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं हीट हीट प्रोडक्शन इन बॉडी सो हमारी बॉडी में जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है तीन तरीकों से एक तो जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं से हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज गया तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होगी। बाकी जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है, जो हम टू एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें बॉडी है, है। तो में क्या होता है हीट की प्रोडक्शन होती है सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच बॉडी अब हीट लॉस कैसे होता है तो तो हीट लॉस हमारी स्किन से होता है जब स्वेटिंग होती है तब भी हीट लॉस होता है जब हमारी बॉडी हमारी बॉडी से हमने तीन तरह के प्रोसेस पढ़े हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़े हैं ना फिजिक्स में तो ये इन तरीकों से भी हमारी बॉडी में हीट का लॉस होता है जैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमारी बॉडी जो है ना हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनो क्योंकि हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रही है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम क्या करते हैं कि कम से कम कपड़े पहनते हैं ताकि थोड़ी सी हीट जो है वो बाहर निकले ठीक है और थोड़ी हमें भी ठंडी हवा कहीं से लें और हमें भी ठंडक आए ठीक है सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच द हीट इज लॉस्ड फ्रॉम आर बॉडी फ्रॉम आर स्किन द नेक्स्ट वन इज द लंग्स तो कुछ नहीं करना है सिंपली बैठो अपने हाथ को अपने नॉस्ट्रल्स के पास रखो और अब एक्सहेल करो ठीक है so, तो एक्सहेल करो तो जब आप एक्सहेल करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि अंदर से गर्म हवा आ रही है सो दिस इज अनदर वे ऑफ हीट लॉस तो जब हम एक्सहेल करते हैं एयर तब भी गर्म हवा निकलती है तो गर्म बेसिकली हीट लॉस हो रहा है द नेक्स्ट वन इज़ यूरिन एंड फीसिस तो ये जो यूरिन और फीसेज हैं ये भी बॉडी टेम्परेचर पर ही एलिमिनेट होते हैं तो इन इस फॉर्म में भी हमारी बॉडी हीट लॉस करती है द नेक्स्ट वन इज़ फूड तो जब भी आपको बड़ी गर्मी लगती है बड़ी धूप से आप आते हो तो आप क्या करते हो फटाफट फ्रिज से पानी की बॉटल निकालते हो ग्लास में डालते हो और पानी पी जाते हो राइट तो उससे क्या होता है जब ये ठंडे ठंडे फ्लूइड हमारी बॉडी में जाते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस थोड़ी देर बैठो थोड़ा नॉर्मल सा पानी लो ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म बट मिक्स करके पानी लो घड़े का पानी पियो तो उससे जब आप वो पानी पियोगे नेचुरली ठंडा हुआ पानी तो वो आपको आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा आपकी बॉडी से हीट लॉस में हेल्प करेगा नाउ द टेम्परेचर रेगुलेशन तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो होता है थ्रू द हीट रेगुलेटिंग सेंटर दैट इज़ हाइपोथैलेमस तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है तो उस केस में हाइपोथैलेमस वो सारे प्रोसेसेस जो हमने पढ़े हैं जिनसे हीट जनरेट हो रही है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है ताकि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस ना हो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो उस केस में हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर देता है हाइपोथैलेमस ताकि हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो और हमारी बॉडी एकदम ऐसे ठंडी ना पड़ जाए राइट सो विच ऑर्गन इज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर दैट इज हाइपोथैलेमस अब जब बहुत ठंडा एनवामेंट होता है या ठंडा वेदर होता है तो उस टाइम पर हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना तो मान लो अगर ये एक ब्लड वेसल है तो ये ऐसे नैरो हो जाएगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी जिसे हम वेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन बुलाएंगे तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी नैरो हो जाएंगी तो ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी अब जो ब्लड का जो हीट का लॉस है थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वो कम हो जाएगा स्वेट जो हमारी बॉडी में बन रहा है वो भी कम बनने लग जाएगा और ऐसे धीरे धीरे हमारी बॉडी वो सारे प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देगी जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा हीट लॉस करती है ठीक है तो जैसे स्वेटिंग भी कम हो जाएगी अब क्या होगा कि ये तो होगा अब जैसे जब ठंडा इन्वायरमेंट होता है ना यू माइट फील कि कुछ लोग ऐसे पेल हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है तो साइमल्टेनियसली अब हमारी बॉडी क्या शुरू करेगी उन प्रोसेसेस को जिससे बॉडी में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जैसे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस काफ़ी ज्यादा स्पीड अप हो जाएंगे और उनसे हीट जनरेट होगी और वो हीट जनरेट जो होगी तो वो मतलब कोल्ड वेदर में हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्म देगी गर्माहट देगी दूसरा केस है वैसो डाइलेशन का तो इसमें क्या होगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा तो यहां पर जैसे लिटिल हीट प्रोड्यूस हो रही थी लिटिल रेडिएशन हो रही थी ठीक है अब यहां पर क्या होगा कि जो हमारी वेसल्स है ना वो डायलेट हो जाएंगी डायलेट होना वो एकदम ऐसे खुल जाएंगे तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ज्यादा स्वेटिंग होगी ज्यादा स्वेटिंग होगी तो ज्यादा हीट लॉस होगा थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ठीक है अब इस केस में ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो बाहर को रेडिएट होगी राइट अब क्योंकि हमें हीट लॉस ज्यादा कराना है तो वो सारे प्रोसेसेस जिनसे हमारी बॉडी में हीट लॉस होता है जैसे कि स्वेटिंग है ठीक है ये सब काफी स्पीड अप हो जाएगा और वो प्रोसेसेस जिससे कि हमारी बॉडी में कम हीट प्रोड्यूस हो वो शुरू हो जाएंगे जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी तो यहाँ पर आर्ट्रीज जो हैं बेसिकली जो कैपिलरीज हैं आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएंगी और ज्यादा फ्लो ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा कैपिलरीज में सो दिस इज हाउ आर बॉडी इज सेल्फ रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ आर बॉडी ठीक है तो मतलब अगर गर्म है बाहर का एनवायरमेंट तो हमारी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी अगर बाहर ठंडा है तो उस हिसाब से रिएक्ट करेगी राइट सो आई होप दिस टेम्परेचर रेगुलेशन इज क्लियर टू यू नाउ बिफोर वी रैप अप दिस सेशन लेट लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड अदरवाइज नॉर्मल हेल्दी यंग मैन स्टार्टेड प्रस्पायरिंग वेन इट वॉज इंटेंसली कोल्ड आउटसाइड वॉट कुड हैव बी वन रीजन फॉर इट तो देखो बाहर बहुत ठंडा है लेकिन अचानक से एक बिल्कुल हेल्दी हट्टा कट्टा इंसान जो है उसकी स्वेटिंग शुरू हो गई तो क्या हो सकता है तो रीजन हो सकता है कुछ एक्सरसाइज ठीक है तो वो जो इंसान है उसने स्ट्रेनियस मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मस्कुलर एक्टिविटी शुरू कर दी भागना दौड़ना कूदना शुरू कर दिया है तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसको पसीना आना शुरू हो गया हो ठीक है काफ़ी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने से उनकी बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं मसल एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और जब ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं तो हमारी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन होती है ओके सो लेट इज सी आर लास्ट क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज वॉट इज गूज फ्लैश एंड हाउ इट इज़ ब्रॉट अबाउट ठीक है तो गूज फ्लैश क्या होता है तो रोंगटे खड़े हो जाना ठीक है तो वो कब होता है जब हमारी बॉडी की इरेक्टाइल मतलब स्किन में जो इरेक्टाइल मसल्स होती हैं वो एकदम इरेक्ट हो जाती हैं और उससे जो हमारे हेयर हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं तो रोंग खड़े हो जाते हैं राइट सो इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर स्किन सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आई टूडे सेशन आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट योअर स्किन विद दिस सेशन सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है